हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैरियर जॉब। उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 3 पोस्ट के लिए रिलीज़ की गई है। सारी डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे, उससे पहले हम बता दें जो भी कैंडिडेट्स या जो भी हमारे नए चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी लाई गई है वो 3 पोस्ट के लिए है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 की, ये टोटल वैकेंसी जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 की वो है 267 की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 267 वैकेंसी है। दूसरी पोस्ट जो है वो है बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की। बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी की जो टोट वैकेंसी है वो है 485 पोस्ट की वैकेंसी वहाँ पे लाई गई है। तीसरी जो पोस्ट है वो है सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी है, जो कि 34 पोस्ट की वैकेंसी वहाँ पे लाई गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें तो बैंकिंग असिस्टेंट में पहले बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल में जो भी असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जान लें पे स्केल 9,300 से लेकर के 34,800 रुपये तक रहेगा, विद ग्रेड पे जो रहेगा वो 4,200 रुपये रहेगा, और जो भी अदर अलाउंस वगैरह रहेगा वो एडमिसिबल रहेगा, ठीक है। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की, तो उनका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 5,200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक, विद ग्रेड पे ऑफ 2,000 रुपीज़, ठीक है। अदर अलाउंस वगैरह एडमिसिबल रहेगा। सिस्टम मैनेजर की अगर बात करें तो उनका पे स्केल, सिस्टम मैनेजर पोस्ट का जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 3,900 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये तक, विद ग्रेड पे 4,200, 4,200 रुपये के साथ ग्रेड पे के साथ उनका पे स्केल रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड किया गया है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडुकेशन की असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जो भी कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से उनके पास ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है उन्हें पूरी, वही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें सिस्टम मैनेजर पोस्ट की, तो सिस्टम मैनेजर पोस्ट में मिनिमम जो कैंडिडेट्स के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए MCA या BTech। MCA मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BTech अगर वो होंगे तो BTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम जो उनका मार्क्स होना चाहिए वो 60% मार्क्स होना चाहिए सिस्टम मैनेजर पोस्ट के लिए। ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तीसरी जो पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की, इसमें जो रिक्वायर्ड रखा गया है क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मतलब जो भी कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएट है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और प्रोफिशिएंसी मतलब नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा नॉलेज है उनके पास, वो बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात कर लें तो मिनिमम एज 21 साल से लेकर के 32 साल मैक्सिमम है। 21 साल से ऊपर और 32 साल के नीचे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन, वो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एज रिलैक्सेशन रहेगा अप्लाई की अगर बात, ये जो भी पोस्ट है इसे सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन की अगर बात कर लें तो सिलेक्शन जो है वो एग्ज़ाम के थ्रू किया जाएगा। एग्ज़ाम की जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है, आप लोग बाद में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इस पोस्ट फॉर अनरिजर्व एंड SEBC कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, और इच पोस्ट फॉर SC ST कैंडिडेट तो 600 रुपये रखा गया है
SC ST कैंडिडेट्स के लिए, वो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करें, SC ST कैंडिडेट जो भी रहेंगे, SC ST कैटेगरीज के कैंडिडेट, उनके लिए 600 रुपये रखा गया है, और जो अनरिजर्व या बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। बाकी यहाँ पे सारी गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की गई कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे सारी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और लास्ट डेट की अगर बात कर लें तो लास्ट डेट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रोवाइड कर बता दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 20/3/2020 टू 15/4/2020, मतलब 20 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक इसका डेट है अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का। पेमेंट्स ऑफ फी ऑनलाइन का भी 20 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो मई 2020 से लेकर के जून 2020 में ही दोनों एग्ज़ाम, प्राइमरी एग्जामिनेशन भी और मेन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में हमने सारी डिटेल बता दी है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बाकी डिटेल रीड करना चाहते हैं तो हम अपने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर के चेक कर लेना। और हम आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे आने के बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स में, ये इम्पोर्टेंट लिंक्स है, इसमें आपको यहाँ नीचे में डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप क्लिक कर लेना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज पे जहाँ से आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, और ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक हमने यहाँ पे दे दी है ताकि अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये वैकेंसी कब रिलीज़ की गई है, कैसे, पूरी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा करके। तो इस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ जा करके चेक करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हो और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं। हम अपने इस वेबसाइट पे ऑल जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है वैकेंसी की, वो हम इस चैनल, इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पर क्लिक करके आप यहाँ पे पूरी डिटेल बाकी भी रीड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिल सके। थैंक यू।